जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे MCA बोलते हैं। बैचलर डिग्री के बाद का प्रोग्राम होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। हालांकि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से अगर आप किए हुए हैं तो नेट या टीचिंग प्रोफेशन या तमाम इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम भी निकलते हैं। तो इसका पहले जो टेन्योर था कोर्स का 3 साल था। अगर जो BCA किया है तो लेटरल एंट्री से सेकेंड ईयर में जाते थे। बाकी और सबके लिए जो नॉन कंप्यूटर ग्रेजुएट होते थे उनके लिए 3 ईयर था, लेकिन अब सभी के लिए जो है कि 2 ईयर का प्रोग्राम हो गया है। अब इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जी, वीडियो का आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत एक स्टेटरी बॉडी है और जो है कि टेक्निकल अपेक्स बॉडी MHRD के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जो है कि टेक्निकल एक्टिविटी स्टैंडर्ड जो इंडिया में होती है उसको कंट्रोल करता है। तो इसके द्वारा जो है कि ऑब्जर्व किया गया कि जो टेक्निकल एजुकेशन 3 ईयर का है वो UGC के फॉलो पे नहीं है। UGC के अनुसार जो है पोस्ट ग्रेजुएशन 2 ईयर का होता है। तो जो है कि हालांकि जो इंटरव्यूशन हुआ, काफ़ी मीटिंग हुई होंगी, तो फाइनली यहाँ पे आया है कि UGC और AICTE की जो है कि क्वेश्चंस पे जो कि डिसीजन लिया गया है कि एज यू आर अवेयर द रिकॉर्डिंग चेंज द ड्यूरेशन MCA प्रोग्राम फ्रॉम 3 ईयर टू 2 ईयर है एंगेजिंग द अटेंशन ऑफ UGC एंड AICTE फॉर क्विट सम टाइम इन द पास्ट। क्या किया गया, 154 मीटिंग ऑफ UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 एक्ट के तहत स्थापित है। इसकी सबसे पहले स्थापना जो हुई थी वो 1945 में थी, लेकिन जो एक्ट का पारित हुआ तो 1956 में हुआ था। यह भारत के हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करती है, जबकि AICTE जो कि जबकि AICTE 1857 उसका एक्ट आया था। हालांकि दोनों का जो ईयर है इस्टेब्लिश 1945 ही है। तो जो है कि टेक्निकल सिनेरियो के लिए AICTE होता है। तो दोनों के बीच मीटिंग हुई, उसमें जो है कि ये फैसला लिया गया मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन जो 3 साल का है उसे UGC के फॉलोअप करते हुए 2 साल का कर दिया जाए। इसी जो क्राइटेरिया है जो AICTE अप्रूवल हैंडबुक जो इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने जाएंगे उसमें दिया रहेगा कि पास्ट BCA बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है, इसे BSc IT होता है, तमाम जो कोर्सेज यहाँ नहीं दिए हुए पास BSc BCom BA विथ मैथमेटिक्स ऑफ 12th, मतलब 12th स्टैंडर्ड में 10+2 होना चाहिए और ग्रेजुएशन एट ए ब्रिज लेवल कोर्स। कभी कभी वोकेशनल कोर्स जाते हैं, तमाम चीज़ें कोर्स जाते हैं, तो वही तरीके ब्रिज कोर्स होगी यूनिवर्सिटी के। तो इन सभी में जो है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा BSc BCom BA BCA और जो है कि ब्रिज कोर्स ग्रेजुएशन जो यूनिवर्सिटी होंगे उसमें 45 जो है कैटेगरी के लिए और 50% जो है कि सभी अदर के लिए अदर कैटेगरी के लिए है। तो आप ये पूरी डिस्कशन को देख पा रहे होंगे उम्मीद है। और जो है कि ये जो है कि आपको 3 जुलाई को हुआ है, तो AICTE के तत्वधान में वेबसाइट भी दिया होगा, आप वहाँ से इसकी पूरी डिटेल जान सकते हैं। AICTE UGC या रिकॉग्निशन या कोई इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड को लेकर के या एजुकेशन से जुड़ी कोई अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, जो कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।